जय हिंद दोस्तों, मैं हौलदार चंदन पांडे, NSG कमांडो, भोजपुर फिजिकल एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। हमारी एकेडमी बिहार के आरा शहर में है। बहुत लोग भोजपुर सुन के डुमराव मत चले जाइएगा, भोजपुर यहीं पे है। आरा हमारा स्टेशन के बगल में ही एकेडमी है, जैन कॉलेज में। बहुत ही खुशी की बात है, अभी देखिए हमारे लगभग 7 अभ्यर्थी गए हैं। 7 अभ्यर्थियों में से 6 अभ्यर्थी गए हैं टोटल, अभी तक 6 अभ्यर्थियों में से 4 और आज 4 गए थे, आज 5 गए थे। 5 में से 4 लोगों ने क्लियर किया और 3 लोगों का एग्ज़ाम था, वो लखनऊ चले गए वहीं से ट्रेन पकड़ के। और ये हमारे पास जो आए हुए हैं ये सार्जेंट क्लियर किए हैं। सार्जेंट मतलब 4-6 हाई जंप, 15 फीट लॉन्ग जंप और 20 फीट शॉर्ट कोर्स, और रनिंग तो सबका एक बराबर ही है। हमारी एकेडमी में ये कब जुड़े और इनको हमारी एकेडमी से क्या फ़ायदा हुआ, और यहाँ पर मतलब बहुत लोगों को लगता होगा कि सर के पास पैसे नहीं लगते हैं, कम पैसे लगते हैं, 200-300 लगता है, उसी में शायद कराते होंगे कि नहीं कराते होंगे, ध्यान देते होंगे कि नहीं ध्यान देते होंगे। ये सार्जेंट क्लियर करके आए और वहाँ यहाँ से इनको क्या फ़ायदा हुआ और वहाँ पर इनको उस चीज़ का क्या फ़ायदा मिला और क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ी इनको, ये बताएंगे। चलिए अपना नाम बताइए। मेरा नाम अमरेंद्र कुमार होगा और मैं इस एकेडमी में मात्र 6 मई को ज्वाइन किया था सर के साथ। और सर जैसे जैसे प्रैक्टिस कराते थे हम लोग वैसे वैसे प्रैक्टिस करते थे। और मेरा सबसे पहले टाइमिंग जब लगा था तो 6:42 टाइम लगा था, और जब कुल्हड़िया में हम लोग गए वहाँ पर मेरा 6:06 टाइम लगा, और उसके बाद मेरा ग्राउंड में भी आज 6:06 ही टाइम लगा। देखिए बहुत बढ़िया। और सार्जेंट तो हम सोच ही नहीं सकते थे पहले, लेकिन सर की बदौलत हमने आज सार्जेंट भी क्लियर कर लिया। पहले हमसे 4 फीट क्लियर नहीं हो रहा था यहाँ पर, लेकिन कोशिश हमने किया और सर की बदौलत हम आज 4:06 क्लियर कर चुके हैं। बहुत बढ़िया, बहुत जो अभ्यर्थी हैं आने वाले, जैसे आपके दाएं दाहिने भी हैं बाएं भी हैं, तो इन लोगों को संदेश दीजिए कि क्या ये संदेश लेके जाएं। हम यही संदेश देना चाहते हैं सभी साथियों को कि आपको वहाँ पर घबराए नहीं, और पहले जो शॉर्ट पुट है उसको 20 फीट क्लियर कीजिए, उसके बाद सारा चीज सब्जेक्ट आपका क्लियर हो जाएगा। आप 20 फीट पहले क्यों क्लियर कर दीजिए, कई फीट हो गए। बहुत बढ़िया। और वहाँ पर क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ी, क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाएं? डॉक्यूमेंट वहाँ पे मैट्रिक का जो मार्कशीट था और जो प्रोविजनल था, और उसके बाद जो मूल प्रमाण पत्र था हमने वो ले गया, और ग्रेजुएशन का मार्कशीट, उसके बाद उसका प्रोविजनल, और उसके बाद जाति आवासीय आय, उसके बाद आधार कार्ड, बस यही था मेरा। क्रिमिनियर भी मांग रहे हैं? क्रिमिनियर मांगेगा सर। और जो EWS कैटेगरी से आते हैं EWS अपना ले जाइएगा। और बाकी जैसे धूप को लेकर बहुत सारे लोगों को चिंता है, तो आप कितने बजे दौड़े वहाँ पर? हम तो सर मेरा आज 13:20 में था, 8 बजे, और 8 बजे मैं हमने एंट्री 8:15 में किया, और वहाँ पे 10 बजे हमको दौड़ाया गया। ओके, 10 बजे धूप अच्छा कैसा हो जाता है? धूप तो धूप को सोच के नहीं दौड़ना, नहीं, आपको अपनी वर्दी के लिए सोच के दौड़ना। मैं पहले दिन भी बताया था कि आपको अपनी वर्दी के लिए सोच के दौड़िए, आपका रनिंग क्लियर हो जाएगा। एक दिन तो दौड़ना है, एक दिन तो दौड़ना है, और 6:30 का खेला है, उस 6:30 में आपको अपनी वर्दी के लिए दौड़िए। आप कभी भी वहाँ पर जाते हैं तो अपनी वर्दी को सोच के जाइए, वर्दी के लिए हम दौड़ने आए हैं। और इनको हम सभी लोगों को 18 तारीख को बुलाएंगे यहाँ पे, 17 तारीख को सबका खत्म हो रहा है ना, तो 18 तारीख को सबको बुलाएंगे और इनको शुभकामना भी देते हैं अपनी एकेडमी की तरफ से। और हमें पूर्णतः विश्वास है कि इनका सार्जेंट में मेरिट आएगा ही आएगा, बाकी जो लोग दरोगा निकाले उनका भी आएगा। तो चलिए आप जोरदार ताली से स्वागत कर लीजिए। और बाकी लोगों को भी थोड़ा सा टिप्स दीजिएगा, ठीक है ना, इनको बताइएगा कि इनको सार्जेंट कैसे क्लियर करें, ये दरोगा लोग कैसे क्लियर करें, जो जो आप लोगों को पूछना है एक बार इनसे बैठा के निचोड़ लीजिए इनको। अब ये इनको निचोड़ लीजिए कि क्या क्या